तीखी होने के बावजूद भी इस दुनिया में कई लोगों को मिर्ची खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा संभल के गाइस, क्योंकि इस दुनिया में एक मिर्ची ऐसी है जिसे खाने के बाद आप लोग सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। हाँ गाइस, ये मिर्ची इतनी ज्यादा डेंजरस है। इस मिर्ची का नाम है ड्रैगन ब्रीथ चिली पेपर, जो कि इतनी ज्यादा डेंजरस है जिसे खाने के बाद आपको लगातार शौक लगते हैं और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। पर सवाल ये है कि इतनी डेंजरस मिर्ची को आखिर बनाया क्यों गया? तो उसका आंसर ये है कि इसे मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक ड्रग, जिससे आपकी स्किन को सुन करके ऑपरेशन किए जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। कोला एक ऐसी ड्रिंक जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में आप इसे खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के दो ऐसे देश हैं जहां पर कोका कोला ऑफिशियली नहीं बिकती। पर सवाल यह है कि वो कौन से देश हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उन देशों के नाम है नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अब नॉर्थ कोरिया या क्यूबा का नाम सुन के शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वहां के तानाशाही की वजह से ये ड्रिंक्स वहां पे नहीं बिकती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस ने खुद ने ही इन दोनों देशों पे ट्रेडिंग के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि अनऑफिशियली ये देश मैक्सिको और चाइना से, जो कि इनके नेबरिंग देश है, वहां से एक्सपोर्ट करके कोका कोला को मंगवाते हैं, यानी कि महंगे दामों में आप वहां पे कोका कोला का सिप का मजा अनऑफिशियली ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं। आप लोगों ने हेवल्स कंपनी का नाम तो जरूर सुना होगा। मे बी आप में से बहुत सारे लोग हेवल्स कंपनी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज भी करते होंगे, लेकिन मजेदार बात यह है कि बहुत सारे इंडियंस सिर्फ हेवल्स कंपनी के नाम की वजह से इसे एक फॉरेन कंपनी मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये एक प्योरली इंडियन कंपनी है जिसका नाम इसके पहले ओनर हवेली राम गुप्ता के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस कंपनी को उस समय मात्र 10 लाख रुपए में बेच दिया था। और आज ये कंपनी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसकी इवैल्यूएशन 5,000 करोड़ रुपए की है, जिसमें लगभग 6,000 लोग 50 अलग अलग देशों में काम करते हैं। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।